अच्छा इसके अंदर ना स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के अंदर क्या होगा कि उसको ना तुम वो मैसेज कर दो, जो लिंक वगैरह है ना उसको मैसेज कर दो, वो आ जाएगी मेरे से, यहाँ से शायद फॉरवर्ड नहीं होना। अच्छा स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के अंदर क्या है, सबसे पहले आपने बता देना कि किस साइंटिस्ट ने इसको प्रेजेंट किया था। ए एच हग्सले और AF हग्सले ने इसको प्रेजेंट किया था कोलीग्स से 1954 के अंदर वगैरह वगैरह। बेटा म्यूट कर दो खुद को। अब इसके साथ यहाँ पे हम लोगों ने देखने सबसे पहले होगा क्या कि इस थ्योरी के मुताबिक द सेम फिलामेंट स्लाइड टू पास ओवर द थिक सो दैट थिन एक्टिन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट ओवरलैप टू द ग्रेटर डिग्री। मैं आपको ना इसकी डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ी सी ना वहां से बता देता हूँ। एक मेरे पास वीडियो पड़ी हुई थी, अगर वो वीडियो शेयर हो जाती है ना तो बहुत बेहतर हो जाएगा। एक सेकेंड। उसने क्या किया हुआ है, हाँ इस मॉडल के मुताबिक उसने आपको बैंड्स बताए हुए हैं। अब अगर यहाँ पे देखो तो ये जो ग्रीन कलर के अंदर बना हुआ स्ट्रक्चर है ये है मायोसिन है, और इसके इर्द गिर्द ये जो लाइटर से बने हुए हैं, लाइट पर्पल से बने हुए हैं, ये एक्टिन फिलामेंट्स है। आगे फर्दर ये इसको डिमॉन्स्ट्रेट करता जा रहा है कि किस तरह से इसके ब्रिजेस कंट्रोल होने हैं। तो अब होगा क्या, ये आपको इसका ना उसने अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाया है। देखो ये इतना सा रीजन जिसके ऊपर इसने ये रेक्टेंगल सा बनाया है उसका एक रीजन आपको बता रहा है, और अब आपको इसका स्ट्रक्चर बता रहा है। नीचे जो ग्रीन कलर है ये उसी तरह से मायोसिन है, और ऊपर एक्टिन है। जो एक्टिन वाला बैंड होता है, जो एक्टिन वाली चीज होती है, वो अकेली नहीं होती, एक्टिन के साथ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे देखो उसने आपको एक्चुअली ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है। अच्छा जी, तो हम लोग देख रहे थे इसको, इसका एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने इंट्रा स्ट्रक्चर देख रहे थे। इसके अंदर क्या होगा जी कि आपके पास ये जो ऊपर उसने ये व्हाइट कलर का, ये मैं दोबारा व्हाइट को इसको थोड़ा सा मैं प्रोमिनेंट करके आपको बता रहा हूँ, इसको उसने बड़ा करके ये नीचे ये पूरी डायग्राम के अंदर बताया है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, आपको नजर आ रहा है कि जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है वो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है मायोसिन का बैंड, यानी ये जो अब मैं मार्क कर रहा हूँ ये वाली सारा ये मायोसिन है। ठीक है, इस वाली ये वाली चीज मायोसिन हो गई, तो एक्टिन वाली चीज कौन सी है, ये जो ऊपर ये जो ये वाला फिलामेंट लगा हुआ है ये सारा एक्टिन है। एक्टिन कभी भी अकेला नहीं होता, एक्टिन के साथ और भी, जैसी बात है मायोसिन भी प्रोटीन है, एक्टिन भी प्रोटीन है, इसके साथ और डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं। कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं मैं वो नाम आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले यहाँ पे बता रहा है ट्रोपोमायोसिन, इसके साथ ये जो बैंड लगे हुए हैं ये ट्रोपोमायोसिन है। ये जो व्हाइट कलर के बैंड आपको ये घूमते हुए नजर आ रहे हैं इसके ऊपर, ये व्हाइट कलर का बैंड है, ये व्हाइट कलर का बैंड है, ये सारा व्हाइट कलर का बैंड जो चल रहा है, ये जो एक इसके ऊपर धागे की तरह से लिपटा हुआ है दिस इज कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन। तो ये वाला जो बैंड है दिस इज ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के अलावा यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल मौजूद है जिसको हम लोग ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल बोलते हैं, जो डिफरेंट जगहों के ऊपर आप देख सकते हो। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल्स हैं। इन ट्रोपोनिन के नेक्स्ट आपके साथ मौजूद है आगे ये ऊपर जो ग्रीन कलर के लगे हुए हैं दीज आर कैल्शियमाइन। जैसे ही कैल्शियमाइन आके बाइंड करेंगे इसके साथ तो ये करेगा। मैं आपको ना थोड़ा सा ये वीडियो पीछे से करके दिखाता हूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से सारा काम चल रहा होता है। तो आप क्या करते हो, यहां से देखो ये, अब ये इसको थोड़ा सा दोबारा से हम लोग करें। ये जैसे ही हुआ ये कैल्शियम आयंस आए हैं, कैल्शियम आयंस आके इसके साथ बाइंड किए,
जैसे ही कैल्शियम आयंस आगे से साथ बाइंड करेंगे तो ये एक्सपोज कर देगा ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल्स को। एक्सपोज करने के बाद साथ में देखो नीचे बाइंडिंग साइट्स आना शुरू हो जाती हैं, और ये जो एडीपी है ये टूट रहा है, लाइक एटीपी टूटता है एडीपी और फॉस्फेट के अंदर। अब ये जो मायोसिन का हेड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ग्लोबुलर हेड, ये जाके बाइंड कर जाएगा इस ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल के साथ, जैसे आपको वीडियो में नजर आ रहा है। जैसे ही इसके साथ बाइंड कर देगा फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा और एडीपी भी रिलीज हो गया, और ये इसके ऊपर स्लाइड पास कर जाएगा। आपको दिख रहा है कि वो जैसे उसके साथ ऊपर स्लाइड पास कर रहे हैं। अब जब स्लाइड पास कर जाएगा तो इसके स्लाइड पास करने की वजह से क्या होगा, अब दोबारा जब मूवमेंट होगी तो एटीपी का मॉलिक्यूल आके इसको सेपरेट कर देगा, और सेपरेट करने के बाद टूट जाएगा एडीपी और फॉस्फेट के अंदर। ये देखो टूट गया एडीपी और फॉस्फेट के अंदर, और इस ब्रिज को उसने दोबारा से उसी तरह से कर दिया। यहाँ पे ये मूवमेंट रिवर्स हो जाएगी। तो ये स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है, आप लोगों ने इसको समझ लेना, देख लेना। मैं एक दफा दोबारा से वीडियो प्ले कर देता हूँ, थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। और ये उसी तरह से जाके बाइंड करेगा, एडीपी भी रिलीज हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये इस तरह से स्लाइड पास कर जाएगा। तो जैसे स्लाइड पास करेगा, फिर दोबारा से अगर आपने इसकी मूवमेंट दोबारा से करवानी है, दोबारा से उसको सेपरेट कराओगे एटीपी की वजह से, और दोबारा वो एडीपी के अंदर कन्वर्ट होगा, अलग हो जाएगा, क्रॉस ब्रिजेस सेपरेट हो जाएंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, सबसे पहला प्रोसेस ये है कि जाके कैल्शियम आयन ने आके लगना है ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन जो है वो ट्रोपोमायोसिन को, सॉरी ट्रोपोमायोसिन के साथ लगना है। ट्रोपोमायोसिन आगे उसको एक्सपोज कर देगी, एक्सपोज होने के बाद जो है एडीपी आएगा, वो फॉस्फेट की तरह टूट जाएगा, और इसी तरह से सारा जो प्रोसेस है चलता चला जाएगा। अब ये जो मूवमेंट होनी है ये किस तरह, अब ये जो मूवमेंट है ये किस तरह से, मैं आपको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर देता हूँ आपकी बुक के ऊपर ले जाके। मेरे ख्याल है बुक आपको शेयर हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखो तो होता क्या है कि इसने डायग्राम कोई ना कोई बनाई होनी चाहिए, नहीं बनी हुई। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो पहली वाली डायग्राम इस तरफ बनी हुई है, इस डायग्राम के अंदर ये जो पहली वाली डायग्राम है इसके अंदर ये ब्रिजेस अभी खुले हुए हैं, तो ये मॉलिक्यूल सेपरेट सेपरेट है। जब दूसरे केस के अंदर जब वो एटीपी आया और सॉरी कैल्शियम आयन आया, कैल्शियम आयन आने के बाद उसने स्लाइड पास कर दिया, तो जो मायोसिन है वो एक्टिन के साथ जाके सेंटर के अंदर लग जाती है। जहां पे वो अंदर सेंटर में जाके लगती है तो इन जी लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है और आपका मसल श्रिंक कर जाता है। पहले यहाँ पे देखो मसल यहां से लेके यहां तक ये मसल फैला हुआ था, अब मसल सिर्फ इतने से रीजन के ऊपर फैला हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो जो मॉलिक्यूल है, सॉरी जो मसल है आपका, वो श्रिंक कर गया है, और दोनों के दोनों जो जी लाइंस है वो करीब आ गई है, जो एच जोन है वो डिसअपियर हो गया है, और जो एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स थे, जो डार्क और लाइट बैंड्स थे, वो इकट्ठे होके एक ही जगह के ऊपर आ गए। तो ये वाला जो सारा मॉडल है इसे कॉल्ड एज स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। लास्ट पे इसके बाद एक छोटी सी डिटेल उसने आपको बताई भी है, वो आप लोगों ने यहाँ पे कर ले दी है, दैट इज राइगर मॉर्टिस। राइगर मॉर्टिस क्या है, मॉर्टिस का मतलब जैसे पोस्ट मॉर्टम होता है, तो मॉर्टम का मतलब होता है मरना। मरने के बाद जो एक कंडीशन आती है ना उसके अंदर ये होता है, देखो हम लोगों ने देखा कि ये जो मूवमेंट है ये सारी कंट्रोल हो रही है एटीपी की वजह से। एटीपी आके लगेगा तो मूवमेंट होगी, एटीपी अगर नहीं लगेगा तो मूवमेंट नहीं होगी। तो अब आपने क्या करना है कि राइगर मॉर्टिस के अंदर क्या होता है कि जब इंसान मर जाता है या कोई भी जानवर मर जाता है, आपको पता है कि मूवमेंट के लिए एटीपी की जरूरत है, लेकिन जब इंसान मर गया तो उसकी बॉडी के अंदर एटीपी की प्रोडक्शन बंद हो गई है। जब एटीपी की प्रोडक्शन ही बंद हो गई है तो इसका मतलब यह है कि अब वो जो ब्रिजेस हैं वो इंटरलॉक हो चुके हैं, अब वो दोबारा खुलेंगे नहीं, क्योंकि एटीपी का रिजर्वायर बॉडी के अंदर खत्म हो गए मरने के बाद। ऐसी बात है माइटोकॉन्ड्रिया, कोई सेल जिंदा नहीं रहा, जब सेल जिंदा नहीं रहा अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जिंदा नहीं रहा, एनर्जी का इंटेक बंद हो गया, तो एनर्जी बंद हो गई। जब एनर्जी बंद होगी इसका मतलब एटीपी के रिजर्वायर्स बंद हो गए। जब एटीपी ही नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये है कि अब वो मूव नहीं कर सकते, तो बॉडी जो है वो अकड़ जाती है एक जगह पे। दिस स्टिफ कंडीशन, दिस स्टिफ जो बॉडी स्टिफ हो जाती है, जो अकड़ जाती है एक जगह ऊपर, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज राइगर मॉर्टिस। इस बॉडी कंडीशन का नाम है राइगर मॉर्टिस, और इसके बाद आप उसको मूव करना पॉसिबल नहीं होता। एनीवेज नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि ये कैल्शियम आयंस कहां से आते हैं। कैल्शियम आयंस आने के लिए आपको एक छोटा सा सिस्टम बताता है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज टी सिस्टम, जिसके अंदर सार्कोलेमा ऑफ मसल सेल मौजूद होती है, और उसके साथ आगे ट्रांसवर्स टी ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं जो कि कॉन्टिन्यूस होती हैं, और ये ट्रिपल सिस्टम बनाती हैं, तीन लाइंस का एक सिस्टम बनाती हैं, जिसके अंदर सार्कोलेमा भी मौजूद होती है और जिसके अंदर ये आपकी टी ट्यूब्यूल्स वगैरह भी मौजूद होती हैं। अब वहां पे कुछ गेट्स मौजूद होते हैं, कुछ चैनल्स मौजूद होते हैं, जिनका नाम है कैल्शियम चैनल्स या कैल्शियम गेट्स।
कैल्शियम गेट्स या कैल्शियम चैनल्स बोलते हैं। ये कैल्शियम गेट्स खुलते हैं तो वहां से कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं, जैसे आपने देखा था कि वो वीडियो के अंदर ऊपर से कैल्शियम आयंस आ रहे थे, वहां पे कैल्शियम आयंस मौजूद थे, वो कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं और रिलीज होने के बाद आकर उसके साथ अटैच होते हैं और फिर ये सारी मूवमेंट चल रही होती है और इसी को फिर आगे रिप्लेस कर लिया जाता है, दोबारा रिसाइकिल वगैरह करते हैं। तो ये जो कैल्शियम है ये आ रहे होते हैं वहां से कैल्शियम गेट्स से जो इसके अंदर मौजूद होते हैं टी सिस्टम्स के अंदर। ऑल और नन रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि आपकी बॉडी जो है, आपका जो मसल है स्पेसिफिकली, वो फॉलो कर रहा होता है ऑल और नन रिस्पॉन्स। व्हाट इज ऑल और नन रिस्पॉन्स? कि या तो सारे मायोफाइब्रिल्स एक ही दफा पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, या तो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट करें या कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपका मसल एक कलेक्टिव एक मूवमेंट शो करता है। ऐसा नहीं है कि दो मसल फाइब्रिल्स मूव कर गए या तीन मसल फाइब्रिल्स मूव नहीं कर रहे या आधे मूव कर गए आधे मूव नहीं कर रहे, जितने हैं वो सारे के सारे या तो मूव करेंगे या कोई भी मूव नहीं करेगा। तो दोनों की आपके पास चॉइस है, या तो सारे मूव करेंगे कोई भी मूव नहीं करेगा। दिस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज ऑल और नन रिस्पॉन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं आगे हम लोग एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। अब ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? एटीपी के सप्लाई से। अब एटीपी कहाँ से आएगी? एटीपी आएगी आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म से। अब ये सारा मसल चल रहा है, ठीक है, तो मसल के अंदर जो एनर्जी का रिजर्व आया है वो एटीपी है। एटीपी सप्लाई ऑफ एटीपी इज मेंटेन्ड बाय एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द मसल सेल व्हिच comes from stored glycogen in the cell. When more energy is required due to high metabolism, it is provided by another energy source called as creatinine. Yahan pe creatinine ek molecule hai jo energy ka source bhi hai. Creatinine phosphate. Sometimes during oxygen deficiency, high metabolic activity ki wajah se jo aapke shift muscles hai, dekho, aam taur pe aapke muscles kar rahe hote hain aerobic respiration. जब कभी एनर्जी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है या आप बहुत ज्यादा कोई एक फिजिकल वर्क करने लग जाते हो, आपने कोई एक्सरसाइज शुरू कर दिया है, कोई भागना दौड़ना शुरू कर दिया है, तो भागने की वजह से क्या होता है या दौड़ने की वजह से जो भी आप कोई काम कर रहे हो उस एक्टिविटी की वजह से आपकी बॉडी एनर्जी डेफिसिट पे चली जाती है। जब एनर्जी डेफिशिएंसी के ऊपर चली जाएगी तो उस एनर्जी डेफिशिएंसी के ऊपर जाने की वजह से आपके मसल्स को एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है। उस टाइम पे आपकी ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं हो रही। जब ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं होगी तो ऑक्सीजन की कमी पूरी ना होने की वजह से सेल्स एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। जब एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो वो शिफ्ट हो जाएंगे एनएरोबिक के ऊपर। एनएरोबिक के अंदर आपने एक टाइप पढ़ी हुई है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, क्योंकि फर्मेंटेशन ही है ना ये, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वहां पे बनना होना शुरू हो जाती है और लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। जब लैक्टिक एसिड बन जाता है तो वो लैक्टिक एसिड सारा का सारा कहाँ पे जाके स्टोर होना शुरू हो जाता है? आपके मसल्स के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है और इसको फिर हम लोग मसल फटीग बोलते हैं। 1/5 ऑफ लैक्टिक एसिड इज ब्रोकन एरोबिकली और फिर आगे 4/5 लैक्टिक एसिड जो है वो फर्दर आगे ब्रेक डाउन हो रहा होता है। तो इस तरह से आपको बता रहे हैं कि वो लैक्टिक एसिड के अंदर भी चले जाते हैं। एनीवेज आगे तीन आपके पास डिजीज आ जाती हैं। पहली आ जाती है मसल फटीग, ये लो एटीपी है। टेटनी के अंदर अगर आप आओ तो ये लो कैल्शियम लेवल है। कैल्शियम लेवल कम होगा या एटीपी कम होगा, दोनों केसेस के अंदर मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगी ना, आपने पीछे देखा कि इसी वजह से ही है। एंड लास्ट वन इज टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन, अगर आपकी मसल की हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड एज क्रैम्प। अच्छा, टेटनी को आपने टेटनस के साथ कंपेयर नहीं करना, मतलब लाइक इसको मिक्स नहीं करना। टेटनी जो चीज होती है ये लो कैल्शियम लेवल बॉडी के अंदर हो तो उस वजह से होगी, जबकि टेटनस एक ऐसी बीमारी है जो कि एक खास किस्म के बैक्टीरियम की वजह से होगी जिसका नाम है क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई। ये जब आपको बॉडी को इन्फेक्ट करेगा तो फिर आपकी बॉडी के अंदर टेटनस होगी। ये एक लाइक बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, जबकि टेटनी लो मसल के अंदर जो एनर्जी लेवल है उसकी वजह से होता है। एनीवेज, दो किस्म के कनेक्टिव टिश्यूज, लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट जो है वो बोन टू बोन ज्वाइनिंग कर रहे होते हैं और जो टेंडन है वो आपको पता है कि मसल टू बोन ज्वाइनिंग दे रहे होते हैं। तो ये दो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपने कर लेनी है। मूवमेंट ऑफ बोन्स के अंदर आपको पता है कि ये जितने भी मसल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, ये एमसीक्यू के लिए याद रख लो, 650 मसल्स होते हैं। फिर आपको बताता है कि ये मसल किस तरह से मूव करते हैं, एंटागोनिज्म फैशन के अंदर मूव करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखो तो इस डायग्राम के अंदर क्या है, एक सेकंड,
अच्छा जी बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे थे कि हम लोग ये डायग्राम कर रहे थे, मैं आपको एंटागोनिज्म समझा रहा था। एंटागोनिज्म क्या होता है कि एक मसल दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रहा होता है। किस तरीके से ऑपोजिट काम करता है कि अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपके पास दो मसल हैं। दो मसल कौन कौन से हैं? एक ये ऊपर वाला मौजूद है बाइसेप मसल, और एक ये नीचे एक मसल मौजूद है जिसका नाम है ट्राइसेप मसल। तो बाजू के ऊपर वाली साइड के ऊपर कौन सा मसल है जी? बाइसेप मसल। और नीचे वाली साइड के ऊपर कौन सा है जी? ये ट्राइसेप मसल है। अब होगा क्या कि जिस टाइम के ऊपर ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाजू को नीचे की तरफ को खींचेगा। जब बाजू को नीचे की तरफ को खींचेगा तो ऊपर का जो बाइसेप है वो रिलैक्स कर जाएगा, नीचे वाला ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एक मसल एंटागोनिस्टिक पेयर के अंदर रिलैक्स कर रहा है जबकि दूसरा वाला मसल इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं एंटागोनिज्म। ये एक दूसरे से ऑपोजिट कर रहे होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दूसरा रिलैक्स कर रहा है। बाइसेप जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाजू ऊपर की तरफ को चली जाएगी, ये बाइसेप की कॉन्ट्रैक्शन हुई हुई है। जबकि जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ या येलो से मार्क कर रहा हूँ, ये ट्राइसेप की कॉन्ट्रैक्शन हुई हुई है। येलो वाले केस के अंदर या ऊपर वाले डायग्राम के अंदर जो ट्राइसेप है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बाइसेप रिलैक्स कर रहा है जिससे आपकी बाजू खुल जाती है, स्ट्रेटन हो जाती है। जबकि दूसरे केस के अंदर जिसके मैंने ब्लू से मार्क किया है उसके अंदर बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है जबकि ट्राइसेप रिलैक्स करता है, जो आपकी बाजू है वो कॉन्ट्रैक्टेड पोजिशन के अंदर आ जाती है। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, ये मेरा ख्याल है जितने ऑर्गेनिज्म है ये उसने नहीं पूछे हुए आपके सिलेबस के अंदर ना, सिलेबस से उसने ये ऑर्गेनिज्म शायद निकाल दिए। इसको मुझे एक दफा कंफर्म कर दो कि क्या चीज़ है, तो मैं वो लास्ट टॉपिक जो भी है इसका करवा के इसको पारित।